हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आपको दिखाते हैं उस सब इंग्रेडिएंट्स को जो आज हमारी रेसिपी को बहुत ही मीठा मीठा बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने घी, लिया है ये मेल्ट घी है और ये हमारी स्टफिंग और हमारा डो बनाने के लिए काम आएगा। और ये लिए है मैंने एक बाउल, ली है मैंने चीनी, कटोरी चीनी लिया है, शुगर, और ये लिया है मैंने शुगर पाउडर बूरा, और ये लिया है मैंने मैदा, एक कटोरी मैदा है, और ये लिया है मैंने कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा, और ये लिया है 5-6 मैंने हरे इलायची लिया है जिसे मैंने कूट लिया है, और ये लिया है मैंने पोहा, ओके, पोहा लिया है 1 कटोरी, और ये आपको दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने काजू, ये लिया है मैंने किशमिश, ये लिया है मैंने पिस्ता, और ये लिया है बादाम, जिसको मैंने काजू बादाम और पिस्ता को मैंने कट कर लिया है। तो ये मेरी ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये लिया है मैंने पानी डो बनाने के लिए यूज़ में। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हमारा जो पोहा है, इस पोहे को धो, ये जो हमारा पोहा है इसे हम 2 मिनट के लिए धो लेते हैं और इसे पानी भिगो देते हैं पहले। तो इसे मैं धो लेती हूँ पहले और इसे भिगो देती हूँ 2 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो पोहा को मैंने धो लिया है और 2 मिनट के लिए इसे भिगो दिया है और ये हो गया है एकदम सॉफ्ट। तो सबसे पहले करते हैं अपना फ्लेम चालू। तो फ्लेम हमने चालू कर दिया है, कढ़ाई से रखती है, कढ़ाई हमारी हो गई है गर्म। तो सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं अपनी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने डाला है 1 चम्मच, इसमें मैंने ऑयल घी डाल दिया है। घी में ये मैंने पोहा डाल दूंगी और मैं इसे 2-3 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूंगी पहले। तो 2-3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद में ये लिया है मैंने नारियल का बुरादा, ये इसमें डाल दूंगी और 2 मिनट के लिए मैं इसे भी स्लो फ्लेम पर फ्राई करूंगी। तो 2-3 मिनट मैंने इस दोनों को फ्राई कर लिया है, अपने पोहे को और अपने इस शुगर को कोकोनट पाउडर को। तो इसके बाद में मैं ये लिया है मैंने बूरा लिया है शुगर पाउडर, मैं इसे इसमें डाल देती हूँ, आधा आधा डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, आपको जितना मीठा खाए उतना डालें। और मैं इसे मिक्स कर लूँ और अब मैं डालूंगी इसमें ये बादाम, काजू और किशमिश डाल दूंगी और अपना पिस्ता है इसे मैं थोड़ा सा डाल दूंगी और थोड़ा सा रखूंगी, इसे गार्निश के लिए छोड़ूंगी। और इस सब के बाद में मैं इसमें डालने वाली हूँ ये लिया है मैंने इलायची पाउडर, इलायची पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी और 3-4 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही रोस्ट करूंगी, फ्राई करूंगी स्लो फ्लेम पर। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, अपना फ्लेम मैं कर दूंगी बंद और मेरी ये स्टफिंग एकदम रेडी हो चुकी है। और मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ एक साइड में और अपना अब डो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपना डो रेडी। ये लिया है मैंने 1 कटोरी मैदा जिसको मैंने छान लिया है। तो डालते हैं इसे इस प्लेट में और ये मैदा मैंने डाल दिया है और मैदा में ये हल्का सा मैं होल बना लूँगी और होल बनाने के बाद में ये मैं डालूंगी इसमें 2 बड़ा चम्मच मैं डालूंगी इसमें मोइन, और मोइन को सबसे पहले मैं इसे ऐसे इसमें मिला लूंगी। और घी को मैंने कर लिया अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ये डो एकदम बन के आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। और ओके, तो डो हमारा हो गया है एकदम रेडी, देखिए आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने सॉफ्ट डो लगाया है और 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देती हूँ, ओके, एक साइड में। और सबसे पहले बना लेते हैं अपना चाशनी बना लेते हैं सबसे पहले बना लेते हैं अपना चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने रख दिया इसका भगोना और भगोने में मैं ये लिया था मैंने 1 कटोरी मैंने ये चीनी ली है, चीनी मैं इसमें डाल दूंगी, चीनी मैंने इसमें डाल दी है। और ये लिया है मैंने आधा गिलास पानी और पानी भी इसमें डाल दूंगी, पानी मैंने डाल दिया है। और इस चीनी को मेल्ट होने तक मुझे लगातार चलाना है और मुझे एक तार की चाशनी रेडी करनी है। 3-4 मिनट हो गए हैं हमारी चाशनी को उबलते हुए और आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी एक तार की चाशनी एकदम रेडी हो गई है, एक तार इसमें बन रहा है, हमारी एक तार की चाशनी रेडी हो चुकी है। तो इसे कर देते हैं एक साइड में, ओके, और फ्लेम कर देंगे अपना बंद, ओके, और इसे ढक देते हैं। और इधर देखिए, इधर 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 हमारा ये डो रखा है और इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं पहले। और अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे, इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ इसकी रेडी कर लेते हैं। इधर हमने अपना फ्लेम चालू कर दिया है, उस पर कढ़ाई रखती है, कढ़ाई में डाल दिया है हमने ऑयल। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी ये लोइयाँ हमने बना ली है। और अपनी लोइयों को हम इनके बॉल बना लेते हैं सबके।
तो हमने इन सब की बनानी है बॉल, और बॉल बना के हम इसे बेलेंगे थोड़ा सा पतला, और बराबर हमको साइज में बेलना है। आपको दिखाती हूँ मैं, इसके किनारों को भी आपको पतला रखना है, और मतलब बराबर बेलना है, ना मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह का इसे बेलना है। देखिए आपको दिखा देती हूँ। और इसमें ये जो मैंने टफिंग बनाई है ये, और ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और मैं डालती हूँ इसमें टफिंग, ये आपको दिखा देती हूँ, ये टफिंग मैं इसमें डालूंगी। ओके, और टफिंग डालने के बाद में ये आपको दिखाती हूँ, ये आपको एक तरह से उठा के और इसे इस तरह की जैसे साड़ी में प्लेटें बनाते हैं, ऐसे प्लेटें बनाते हुए ये आपको ऐसे ये फोल्ड करते हुए यूं और आपको ये दिखाती हूँ, आपको ऐसे करके ये शेप देनी है, और बीच में से इसको बिल्कुल टाइट कर देना है, और इस तरह से ये आपको सारे अपने रेडी कर लेने हैं इस तरह के। और इसी तरह से हम अपने सारे ये मोमोज, स्वीट वाले मोमोज रेडी कर लेंगे। और मैं आपको स्वीट मोमोज भर के बता देती हूँ। सबसे पहले आपको लोई बनानी है, लोई बनाने के बाद में आपको ये बेलना है, ना मोटा ना पतला, ये आपको सही बेलना है, बिल्कुल बराबर, मोटा पतला नहीं होना चाहिए, किनारे भी इसकी सेम ही होनी चाहिए। और देखिए ये मैंने बेल लिया है बराबर, और इसके बाद में जो मैंने ये स्टफिंग बनाई है वो स्टफिंग में डालूंगी, ज़्यादा ना डालें, उतना ही डालें। ये मैंने डाली है इसमें, ये मैंने करीब इसमें 1.5 चम्मच डाल दी है। ओके, और आपको दिखाती हूँ, ये एक तरफ से आपको उठाना है, और उठाते हुए इसकी ये प्लेटें बनानी है आपको, जैसे कि साड़ी में प्लेटें आती हैं उसी तरह से इसकी प्लेटें बनाते हुए यूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसकी यूँ प्लेटें बनाते हुए, और दिखाती हूँ आपको, और इस तरह से आपको इसकी प्लेटें बनानी है। देख रहे हैं ये सारी प्लेटें इसकी बन चुकी हैं, और देखिए ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी प्लेटें बन चुकी हैं, और ऊपर इसको लाके इसे हल्का सा इसे प्रेस कर देना है, और बिल्कुल प्रेस कर देना है ऐसे ऊपर लाके, और ताकि ये खुले नहीं फ्राई होने में। देखिए इस तरह से मैंने ये अपने सारे स्वीट मोमोज तैयार कर लिए हैं, ये आपको दिखा देती हूँ, सारे मेरे स्वीट मोमोज हो चुके हैं एकदम रेडी। उधर मेरा घी भी हो चुका है फ्राई ऑयल, और तो इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपना ऑयल, कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मैंने आटे का एक बॉल बनाया है, और इसे मैं चेक करती हूँ, ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब मेरा ऑयल एकदम कम्प्लीट हो चुका है रेडी। तो इसके बाद में ये मेरे मोमोज हैं, इसको मैं डालना करती हूँ स्टार्ट। ओके, और आप धीरे धीरे डालें आराम से, और मैं इनको डालकर और इनको गोल्डन ब्राउन में तलती हूँ पहले। और इस तरह से मैंने अपनी मोमोज ये सारे डाल दिए हैं, और मैंने अपनी फ्लेम थोड़ी हाई कर दी है, क्योंकि हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद में मैं इसे स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। पहले इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ पलटने लायक, इसके बाद में मैं अपना फ्लेम स्लो कर दूंगी, और मुझको स्लो फ्लेम पर ही इनको पकाना है। और इस तरह से मैंने अपने सारे मोमोज को धीरे धीरे पलट दिया है, ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और मैंने कर दिया है अपना फ्लेम स्लो कर दिया है, और अब मैं इनको स्लो फ्लेम पर ही इनको हल्का हल्का उनको फ्राई होने दूंगी, ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएं। ओके, तो मैंने इन सबको पलट दिया है, और मैं स्लो फ्लेम पर भी इनको करीब 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करूंगी पहले। और आप इनको ऐसे ही अलटते पलटते हुए चारों तरफ से इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें, कहीं आजू बाजू में कहीं ये कच्चे ना रहें। ओके, तो इनको ऐसे ही अलट पलट करते रहिए हर एक मिनट पर, और इस तरह से इनको एकदम गोल्डन ब्राउन लाइट कर लीजिए। तो मैं इसको लगातार ऐसे ही अलट पलट रही हूँ। तो 4-5 मिनट हो गए हैं, मेरे मोमोज हो गए हैं एकदम बढ़िया सके हुए हैं तैयार, और मैं इनको अब पलट लेती हूँ एक प्लेट में, और अपना फ्लेम कर देती हूँ पहले बंद, और मैं इनको निकाल लेती हूँ पहले, और आप थोड़ा सा इन्हें रोकें, रोकने के बाद में आप निकालें, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो मैंने इनको निकाल लिया है, और आपको दिखा देती हूँ। अपने मोमोज मैंने निकाल लिए हैं स्वीट वाले, अब देखिए बिल्कुल हल्का इनका गोल्डन ब्राउन हुआ है, इसी तरह के मुझको फ्राई करने हैं। और अब इनको डालते हैं अपनी चाशनी में, और ये रहा हमारा शुगर सिरप, और ये हल्का गुनगुना बना हुआ है। और अपने ये मोमोज मैं इसमें चाशनी में डिप कर दूंगी पहले थोड़ी देर के लिए, 3-4 मिनट के लिए, और सारी चाशनी में मैं अच्छी तरह से इनको कोट कर देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत चाशनी इनके अंदर चली जाए, और ये अपना मिठास ले लें अंदर से। तो मैं इनको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो 3-4 मिनट हो गए हैं ऐसे इनको चाशनी में ड्रिप करे हुए, और अब मैं इनको निकालूंगी इस प्लेट में। तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ओके, तो देखिए मैं इनको ऐसे इस प्लेट में निकाल लूंगी पहले, और मैंने निकाल लिया है इन सबको, आपको दिखाती हूँ। मेरे सारे मोमोज हो चुके हैं रेडी,
ओके, मोमोज में रेडी हो चुके हैं और मैंने जो पिस्ता थोड़ा सा बचा लिया था उस पिस्ता से मैं इनको करूंगी थोड़ा थोड़ा गार्निश। और देखिए मेरे बहुत ही स्वादिष्ट रसीले एकदम मोमोज हो गए हैं रेडी। और मैंने बनाए हैं ये, किससे बनाए हैं बोलिए बोलिए, ये बनाए हैं मैंने पोहे से। तो आज आपने सीखा कि पोहे के मोमोज कैसे बनाए जाते हैं, वो भी स्वीट वाले। तो मैंने इनको कर दिया है गार्निश। ओके, देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मोमोज। और आप इसे रख दीजिए और आप जब आपका मन करे तब आप इनमें से खा लीजिए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो देखिए बहुत ही अच्छे मेरे मोमोज बन के रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक रहिए बी हेल्दी बी हैप्पी।